आज हम होम्योपैथी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई कोल्चिकम का अध्ययन करने जा रहे हैं। कोल्चिकम वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि कोल्चिकम गाउट अर्थात गठिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है, और आज के समय में हम देख रहे हैं कि कई लोग जो कि चिकनगुनिया से पीड़ित हुए थे 10 साल पहले, 5 साल पहले या 2 साल पहले, उनके जोड़ों में एक तरह की तब्दीली आती है और वो गाउट से प्रभावित हो जाते हैं। गाउटी डायथिसिस के लिए वैसे तो बहुत सारी दवाइयां होती है, जैसे लाइकोपोडियम है, बर्बेरिस वल्गेरिस है, कोल्चिकम है, बेंजोइक एसिड है, सारसापिरेला है, जिनको कि हम टोटलिटी के आधार पर प्रिस्क्राइब करते हैं, परंतु कोल्चिकम का भी एक अपना ही स्थान है। कोल्चिकम का जो व्यक्ति होता है वो विगरस कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, उसमें हल्के से मूवमेंट से भी तकलीफ होने लगती है, ठंडे नम वेदर में उसमें ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कोल्चिकम में कि जब हम मरीज से बार बार कोई सवाल पूछते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाता है या जवाब नहीं देता है। कोल्चिकम के मरीज में खास करके जहां प्रभाव होता है वो होते हैं मस्कुलर टिश्यूज, पेरियोस्टियम और साइनोवियल मेम्ब्रेन्स ऑफ जॉइंट्स। इसमें पैर में सूजन आने लगती है, पैर में सूजन के साथ साथ जो पैर होते हैं, जो फिट होता है, उसमें ठंडापन लगता है। यदि इस तरह के हमको कहीं दर्द के साथ पैरों में और फुट में ठंडापन महसूस हो तो कोल्चिकम का प्रिस्क्रिप्शन बनता है। कोल्चिकम की एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम जो होता है वो होता है बेड ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड। खाना किचन में बन रहा हो, बघार लग रहा हो, खाना सामने रखा हो, कोल्चिकम का व्यक्ति उसको कभी प्रेफर नहीं करेगा, वो खाना नहीं चाहेगा। अब सवाल यहां ये बनता है कि व्यक्ति खाना नहीं चाहता है या खाना या भोजन कोल्चिकम का साथ छोड़ रहा है, कोल्चिकम मरीज का साथ छोड़ रहा है, क्योंकि यदि हम फैमिली लिली फ्लोरी की कोल्चिकम दवा है और फैमिली लिली फ्लोरी के डॉक्टर राजन शंकरन के हिसाब से यदि हम सेंसेशन देखें तो फोर्स्ड आउट, स्क्वीज्ड और एक्सक्लूडेड या लेफ्ट आउट, ऑप्रेस्ड और कंस्ट्रेंड, ये सेंसेशन माने जाते हैं। फोर्स्ड आउट का मतलब कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बाहर निकालना, स्क्वीज का मतलब जैसे किसी को दबाना, जैसे हम पेस्ट को दबा के और उसके बचे हुए पेस्ट को निकालते हैं जब पेस्ट खत्म होने लगता है,
एक्सक्लूडेट का मतलब दबाकर बाहर निकालना, जैसे कोल्चिकम का प्रभाव उन लोगों को भी पड़ता है, जैसे कोई 10 दोस्त हो और उसमें से एक को छोड़ दिया जाए और 9 एक साथ मिल जाते हैं, तो वो एक क्या महसूस करेगा कि मुझे एक्सक्लूड कर दिया गया, मुझे हटा दिया गया। इस तरह की फीलिंग के साथ यदि जोड़ों में दर्द का सिम्टम आने लगे तब कोल्चिकम की उपयोगिता बढ़ जाती है। उसी तरह से हम एक्सट्रूड की बात करें तो यह फिजिकल प्लेन पे प्लान करता है, जैसे 10 लोग एक कमरे में है और उसमें से किसी एक को धक्के देके बाहर कर दिया गया, तब वो एक्सट्रूडेड में आएगा। या किसी को खींच के बाहर कर देना, किसी को दबा देना, ये सब जो है कोल्चिकम की महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपनी स्थिरता को बना के रखे। हम देखते हैं कई पेशेंट हमारे पास आते हैं और उसमें वो बोलते हैं कि मैं इंटरव्यू में गया था और मैं अच्छी तैयारी करके गया था पर मुझे मौका ही नहीं मिला, मुझे मौका ही नहीं दिया, और जब से ये इंटरव्यू हुआ है, जब से ये मेरी नौकरी के संबंध में इंटरव्यू के दौरान मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौका नहीं दिया गया और मुझे छोड़ दिया गया, उसके बाद से मुझे ये तकलीफ हुई है। मतलब ये कि उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया, कुछ करने का मौका नहीं दिया, उसको कुछ सोचने का मौका नहीं दिया और उसको छोड़ दिया, मतलब एक्सक्लूड कर दिया। तो उसके दिमाग पे जो असर आता है उसका सीधा सेकेंडरी इफेक्ट जो होता है वो उसके जॉइंट्स पे आने लगता है और उसको दर्द की तकलीफ रहने लगती है। हमने क्लिनिक पे ऐसे पेशेंट भी देखे, ऐसी स्थिति के बाद वो बोलते कि मेरा मुंह बहुत सूखने लगता है, मुझे प्यास ज्यादा लगने लग गई है और मेरे पेट में भी भारीपन रहता है और मुझे गैसेस की तकलीफ भी होने लगती है। अब खाना भी उनका साथ छोड़ देता है क्योंकि खाने की खुशबू, खाने की जो स्मेल है वो उनको सहन नहीं हो रही है। मतलब व्यक्ति को यदि लोग अलग हटा दे, एक्सक्लूड कर दे, एक्सट्रूड कर दे और व्यक्ति की फीलिंग बनने लगे, तब निश्चित रूप से कोल्चिकम एक महत्वपूर्ण दवाई बन जाती है। इसके अलावा हम कोल्चिकम में देखते हैं कि कोल्चिकम का व्यक्ति जब परेशान हो जाता है, उसको सब जगह से जब बाहर कर दिया जाता है, तब वो ये चाहेगा कि मुझे लोग अपने साथ रखे। किसी कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी के लोग मुझे अपने साथ रखे, मुझे भी इस कंपनी का पार्ट समझे, ये ग्रुप मुझे अपना पार्ट समझे, तो वो एक तरह से कंपनसेट करने लगता है, वो अपने बिहेवियर को चेंज करने लगता है। अब चूंकि कोल्चिकम एक मलेरिया मियाज्म की दवा है और ये सब घटनाएं लाइफ में इंटरमिटेंटली होती है और फिर खत्म हो जाती है। एक बात और भी कहूंगा, अब यहां सवाल ये आता है कि लिस्ट मूवमेंट से तकलीफ हो रही है या मोशन एग्रावेशन है, इसका मतलब हमें ब्राइनिया के लिए भी सोचना चाहिए। पर जब ब्राइनिया फेल हो जाती है, व्हेन ब्राइनिया फेल्स
you can give your patient colchicum along with other symptoms. Colchicum mainly left to right work करती है, motion से aggravation होता है और उसमें stomach में भी burning का sensation होता है. Colchicum का जो patient होता है वो बहुत ज़्यादा sensitive होता है fish के order से, दूसरों का जो misbehavior उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो अपने आप को अलग समझने लगता है. कोल्चिकम का पेशेंट कभी भी आप देखिएगा क्लिनिक पे बाहर 2 से 4 घंटे तक भी वेट कर सकता है, क्योंकि उसके मन में ये विचार आता है कि यदि मैंने जल्दी करी या मैंने कोई मिसबिहेव कर दिया तो मैं बाहर कर दिया जाऊंगा, मुझे कोई बाहर नहीं कर दे, एक्सक्लूड नहीं कर दे, इसलिए वो अपना बिहेवियर बहुत संयत बनाता है, अट्रैक्टिव बना के रखता है. अतः वो तकलीफ के समय, कष्ट के समय अपने आप को थामे रखता है. या अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखे ये उसका विचार होता है कि जिससे मुझे एक्सक्लूड नहीं करे, मुझे अपने साथ रखे. कोल्चिकम में जो गाउट होता है उस गाउट को हम रिचमैन्स डिसीज भी कहते हैं, बिकॉज गाउट इज एसोसिएटेड विथ अफ्लुएंस एंड हाई लिविंग. क्योंकि वैसे लोग जो कंफर्टेबल चेयर पर बैठते हैं, एक पैर अपना साफ कुशन पर रखते हैं और अधिक मात्रा में मीट और वाइन का सेवन करते हैं, ऐसे लोग भी गाउट से अफेक्टेड हो जाते हैं. वहां भी हम कोल्चिकम के बारे में सोच सकते हैं. इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो ज्यादा नाइट वॉचिंग करते हैं और हार्ड स्टडी करते हैं वो भी कहीं ना कहीं कोल्चिकम की श्रेणी में आते हैं. इसमें खास करके शाम से लगा के सुबह तक तकलीफ ज्यादा रहती है, सनसेट टू सनराइज, नींद नहीं होने से. इसमें अलग फूड से और शाम के समय ज्यादा मानसिक कार्य करने से इत्यादि. तो ये हो गई एक तरह से कोल्चिकम की बात. हम कोल्चिकम को यदि अच्छे से समझे और इसको मेंटल लेवल से जोड़े तो हमें कोल्चिकम में बहुत कुछ मिल सकता है. अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करूंगा. धन्यवाद.